सर डिज़ाइनर्स की कॉस्ट्यूम हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वो सोच के हमारे लिए बनाते हैं. और इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि मैं आज यहाँ मिसेस संध्या सिंह के इस क्रिएशन के सामने खड़ी हूँ, क्योंकि शी इज़ एन इमर्जिंग डिज़ाइनर, ऑल्सो वेरी स्टैब्लिश, एंड शी हैज़ अ शोरूम इन दिल्ली कॉल्ड संध्याज, और हमारी फैमिली फ्रेंड भी हैं. और मुझे बहुत खुशी है आज कि राजीव भैया और नीरज भैया, दीज आर ब्रदर्स फॉर मी, एंड टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आज इनकी कलेक्शन में यहाँ पे आ सकी. बहुत कम समय होता है जब लड़कियाँ ट्रेडिशनल लुक में दिखाई देती है, तो आज एनीथिंग स्पेशल? ऐसा नहीं है, मौके की बात है, आप मौका देंगे हम आ जाएंगे. सो इज जस्ट दैट कि टुडे वाज अ यू नो आई वाज रियली फैसिनेटेड व्हेन आई सॉ हर कलेक्शन विद स्पेशली जो एथनिक कलेक्शन है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर्स हैं और हैंडमेड हैं, और मुझे पता चला आरी का कोई काम है, वो एक अलग तरीके का है काम. सो व्हेन दे पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क इनटू पुटिंग अ क्रिएशन लाइक दिस, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हम लोग आके ऐसे खड़े हैं. एनी पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट यू फॉलो? आई थिंक साड़ी फॉर एनी गर्ल, स्पेशली लड़कियों, इंडियन लड़कियों के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे सेंशुअस ड्रेसिंग होती है, और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है. Any upcoming project you want to share with us? I've already shared, like we got Ladaku. Right. Abhi national award mila hai, so you know that as a producer I've got a national award, so I'm very excited about that. And Ladaku is my next film, which is a martial arts film. It's in Hindi and English both. English mein it's called The Olympic Girl, aur Hindi mein it's called Ladaku, kyunki aapko pata hai main martial artist hoon, to ek to mauka milna hi chahiye mujhe ye. अच्छा, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद ऐसा कोई प्रेशर होता है कि काम में अच्छा करना है या ऐसा कुछ? पहले से अच्छा नहीं कर रही थी मैं. आप बहुत अच्छा कर रही थी, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. तो नहीं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि पता चलता है जो आप मेहनत करते आ रहे हैं सालों से, उसको ध्यान दिया जा रहा है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है. तो उस ध्यान देने वाले लोगों को और उस ऑडियंस को जो अप्रिसिएशन जो हमें दे रहे हैं, उसको वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. तो यस, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ नेशनल अवार्डेड फिल्म ट्रैफिक सिग्नल ओए लकी लकी ओए, तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी, और आज के टाइम पे एवरीबडी इज कंटेंट ड्रिवन. तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि ये नेशनल अवार्ड मिला है, और खासकर उस रीजन से जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ की पहली नेशनल अवार्ड है. सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, डर लग रहा है कि अब क्या करना है, लेकिन करना जो भी करूँगी अच्छे से ही करूँगी. तो आपने ये भी कहा कि मतलब अब उड़ता पंजाब आ रही है, तो उसमें बिहारी कम्युनिटी, पता था आपके सबसे आने वाला यहीं से. तो बिहारी कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया, तो अभी हाल ही में एक सॉन्ग लॉन्च में आलिया भट्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि एक भी टारगेटिंग कम्युनिटी ऐसा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म एक एंटरटेनमेंट मीडियम होता है, तो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना आपके लिए मतलब हर्टफुल है क्या? देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी कम्युनिटी को, चूंकि मैं बिहार से आती हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन अब इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम बिहार, इट्स अबाउट एनी कम्युनिटी. सरदार्स के ऊपर जोक बनते हैं, हर साउथ इंडियन मद्रासी है, ये तो बहुत ही गलत बात है. उसी तरह से चाहे भोजपुरी फिल्में हों या हाई एलीट क्लास हिंदी सिनेमा हो, हमेशा बिहारी इज अ कैरिकेचर, आदर वो फनी दिखाया जाता है या करप्ट दिखाया जाता है. वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इवन द सीबीआई चीफ ऑफ इंडिया इज अ बिहारी. यू टॉक ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट, सब बिहारी हैं. तो क्या कोई भी फिल्म मेकर, हमारे राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्ला खान, जैनिज्म, बुद्धिज्म, नालंदा यूनिवर्सिटी, यू नेम इट एंड इट्स देयर, तो क्या इन लोगों से, इतने पढ़े लिखे अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं, क्या वो कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि वो उसे एग्जीक्यूट करके बाहर ला सके? मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप कैरेक्टर में कभी खराब दिखाते हैं किसी भी कम्युनिटी को, तो आप अच्छा भी दिखाइए, बैलेंस कीजिए. यू कैन नॉट जस्ट कीप सेइंग कि बुरा है बुरा है. मेरा बस ये कहना है कि जहाँ कभी कोई सी जगह में खराब होता है, तो वहाँ अच्छा भी होता है, और दूसरी जगह में भी खराब और अच्छा होता है. But you cannot just stereotype anything. So I have never targeted a actor. I have always told about the filmmakers. Not Udta Punjab. I'm talking about every filmmaker from the past and also the writers. As a producer, Bhojpuri film mein bhi aajkal kaafi acha kar rahi hai. Priyanka Chopra ki production mein ek film ban rahi hai. Aap bhi ek producer ban chuke ho, to future mein hum dekhenge koi Bhojpuri film ko produce karte ho ya fir aap feature karte ho? बोलूँ मैं कुछ बोलूँ इसके ऊपर, ये आंसर देना चाहिए मुझे नहीं देना चाहिए? आई एम श्योर आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की है, विच इज गॉन टू 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 54 सालों में पहली फिल्म है जिसे इंडियन पैनोरमा इफी गोवा में सिलेक्ट किया गया है. आप लेट हैं इस बात को क्वेश्चन करने के लिए. और ये मेरी जो फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, वो मैथिली फिल्म है. सो जो मेरे से मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मैं फिल्मों के द्वारा जो अपने रीजन की अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी, वो करती रहूंगी, चाहे मेरा साथ कोई दे या ना दे, दैट डजंट रियली मैटर. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू दैट. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. थैंक यू सो मच. दैट इज द रीजन दैट आई एम हियर.
आपको? I'm very happy and excited कि आप इतना अच्छा कर रही हैं।